गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेमन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन 3 12th क्लास। बेटा आज हम 12th क्लास हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी के अंदर, और लेसन 3 के अंदर आज हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दूसरा टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग है, और थर्ड टॉपिक जो है वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। देखिएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, पहले तो आप थोड़ा सा इस पर लाइटिंग कीजिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस फैक्टर्स इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। देखिए उसने कहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका संबंध जो है फोर्सेस से है, फैक्टर्स से है, इंडिविजुअल पर्सन से है और किसी भी इंस्टीट्यूशन से है विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो के कंट्रोल होगा वो बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस फर्म से बाहर किया जाएगा। बट दीज मे इफेक्ट इट परफॉर्मेंस, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी, यानी कि आपके सेक्टर्स के बेस पर, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बेस पर, इंस्टीट्यूशन के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेस पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं आप कि द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी सराउंडिंग्स की जरूरत होती है वो सब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस बिजनेस एंटरप्राइज सो इट बिकम एसेंशियल फॉर द बिजनेसमैन टू डू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले बिजनेस के आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है, और उस सराउंडिंग्स को चेकआउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बारे में हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस के एनवायरनमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में अवेयर होना ही एनवायरनमेंट स्कैनिंग है। इट मींस अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहते हैं। With environment scanning, business enterprise can anticipate the effect of environment forces and factors on their enterprise. और जितना business environment की surroundings हैं, business के आसपास की surroundings हैं, उन्हें हमने business environment कह दिया है, और उन surroundings को से aware रहना, उनके बारे में information gather करना, उसको हम environment scanning कहते हैं। अब कंडीशन अराइज होती है कि फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यहां पर अब हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस एनवायरनमेंट का बताया गया है वो बताया गया है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बिजनेस एंटरप्राइज से बाहर के जो फोर्सेज हैं उन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेज कहते हैं, वो जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर है। अब वो फोर्सेस क्या हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वो ऐसी मार्केट सिचुएशंस जिनके बेस पर हमारा बिजनेस डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, उनका होना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया कि ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द फीचर्स ऑफ
बिजनेस एनवायरमेंट। सेकेंड पॉइंट पर ये बात बताई गई यही है फ्यूचर में कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यहां पर तो एक्सटर्नल फोर्सेस पर हमने डिस्कस किया है पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है हमने डिस्कस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये क्या होती है, बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। दीज इंक्लूड्स, अब स्पेसिफिक फोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, जिनसे हमारा डेली का बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, जनरल फोर्सेज, ये तो हैं आपके स्पेशल फोर्सेज। यानी कि सप्लायर कम हो जाए बिजनेस कम हो जाएगा, एनवायरमेंट इफेक्ट करेगा, सप्लायर ज्यादा हो गए समझ लीजिए हमारा बिजनेस एनवायरमेंट ग्रोथ कर गया, बिजनेस का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टर, अगर बिजनेस के अंदर पैसे लगाने वाले ही ना होंगे तो बिजनेस रन कैसे करेगा, ठीक है। और पैसा लगाने वाले कब पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जब उन्हें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और रेट ऑफ रिटर्न किससे मिलेगा, उस कंपनी की, उस फर्म की क्या कहना चाहिए, एनुअल ग्रोथ से। उसके बाद कस्टमर्स, अगर सप्लायर सप्लाई कर दे, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग कर दे, इन्वेस्टर अपने पैसे को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दे, लेकिन कस्टमर जो है उसकी डिमांड को राइज ना करे तो सारा बिजनेस स्लो हो जाएगा। उसके बाद जनरल फोर्सेस क्या क्या हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इंपैक्ट ऑल द एंटरप्राइज एंड इफेक्ट इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। अब ये जो है चीजें, ये आपकी जनरल फोर्सेस हैं। कभी कभी बिजनेस में पॉलिटिकल हिंड्रेंस आ जाती है, सोशल हिंड्रेंस आ जाती है, कि आप अपने बिजनेस से अपने एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का नाम नहीं होगा। ऐसे ही आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उसके अंदर जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया, समझ लीजिए आपका बिजनेस जो है वो उस तरीके से रन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जनरल फोर्सेस का होना भी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक फोर्सेस के साथ साथ अगर हमें अपने बिजनेस को रन कराना है और बिजनेस के एनवायरमेंट को मेंटेन करना है। तीसरा फीचर क्या है, इंटर रिलेशन। अब यहां पर रिलेशन किसका, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है और जिस नेचर का बिजनेस करता है, उस नेचर ऑफ बिजनेस का कंसर्न जो है वो हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हमारे कस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। तो उसी तरह के जो है वो डिमांड राइज होती है मार्केट के अंदर। तो उन्होंने कहा है, ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, के सारे के सारे फोर्सेस, सारे सारे फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कनेक्ट है। जैसे कि यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, आप जो है यूथ पर्सन के लिए, जनरेशन के लिए एक नए ग्रोथ के डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप फैशन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करेंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। फैशन से आउट ट्रेडिंग करेंगे तो वो डिमांड अराइज नहीं होगी, तो इसका मतलब बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्ट होगा आपका। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ फीचर की, अनसर्टेनिटी की। क्योंकि बिजनेस के लिए कहा गया है कि बिजनेस अनसर्टेन है, बिजनेस के अंदर रिस्क होना जरूरी है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एज एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल ऑफ आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंटली एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अब उन्होंने क्या कहा है कि इस बात की सर्टेनिटी बिजनेस के अंदर नहीं होती है कि कस्टमर का टेस्ट कब चेंज हो गया, आपको उसके टेस्ट के चेंज के अकॉर्डिंग अपने अपने बिजनेस एनवायरमेंट में, बिजनेस फर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर कब चेंज हो गया, जब भी चेंज होगा समझ लीजिए आपको अपने यहाँ का इंटरनल एनवायरमेंट बिजनेस का, अपनी मशीनरी भी उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग परचेज करनी पड़ेगी और ओल्ड मशीन जो है टेक्नोलॉजी की वो रिमूव करनी पड़ेगी, ये भी चीज जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ फीचर है डायनामिक। बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरमेंट कंटीन्यूअसली। उसने कहा है कि ये चीज डायनामिक है,
अगर हम उस सोसाइटी में होने वाले चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मेंटेन होगा। लेकिन क्या है कि अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, हमने उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं की है, तो डम कौन होगा? बिजनेस डम हो जाएगा, बिजनेसमैन डम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमने ऑर्थोडॉक्स टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज की हुई है, तो उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई नहीं हो सकता जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई होगा। तीसरी चीज क्या कही उन्होंने कि इस चीज को, यानी मार्केट फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है किसी भी पॉइंट से, उनको उसकी स्कैनिंग करनी भी जरूरी है कि कब डिमांड बढ़ जाए, कब सप्लाई घट जाए, कब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, कब क्या क्या चाहिए दूसरी कंपनी हमारी कंपटीशन में आ जाए, ये सब बातों का ये अनसर्टेन होती है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। और बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द कंपनीज। ये बड़ा प्रॉब्लम का एनवायरमेंट है कि हम कैसे एनालाइज करें कि हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। इट इज इजी टू स्केल द एनवायरमेंट बट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। अब ये डिसाइड करना कि हमारा जो बिजनेस है वो डंप हमारे बिजनेस के डिसीजंस के बेस पर हो रहा है, या हम ऐसी कोई एक्टिविटी इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमसे इग्नोर हो रही है। तो यहाँ पर और तीसरी चीज क्या एनालाइज करनी पड़ती है कि जिस फील्ड में हम होते हैं बिजनेस के, ठीक है, अगर वही कंपटीटर दूसरा कंपटीटर हमारी कंपटीशन कंपनी के साथ कंपीट कर रहा है, वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमें उसकी प्लान और पॉलिसी को पहले समझना होता है और उसके बाद उससे इजी और प्लान और पॉलिसी और फ्लेक्सिबल प्लान और पॉलिसी बनाकर मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जरूरी है। लास्ट जो है वो फीचर इसका रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट का रिलेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री डोमेस्टिक कंट्री डोमेस्टिक कंट्री है, यानी कि हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर दिया, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में सप्लाई कर दिया। ये रिलेशन जो है बिजनेस का वो किससे है? एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, दूसरे का और बहुत दो चार कंट्रियों से है, ठीक है, तो यहाँ तक के एक रीजन से दूसरे रीजन का है। तो ये जो रिलेटिविटी है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं है कि वो डोमेस्टिक कंट्री तक ही लिमिटेड है, बल्कि बिजनेस को अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो जितने ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट अर्न होगा, आपकी कंपनी की गुडविल जो है वो मेंटेन होगी। तो यहाँ पर रिलेटिविटी किस लिए कहा गया कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है, जिस जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसका रिलेशन किसी कल्चर के साथ होना, किसी कस्टम के साथ होना, किसी ओकेजन के साथ होना, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ बिजनेस का एक कंट्री का बिजनेस दूसरे कंट्री के साथ रिलेट करे, ये भी बहुत जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके। अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, इंडिया वाले साड़ी बनाते हैं, सूरत एक जगह है, वहाँ पर ज़्यादातर क्लोथ्स का ही बिजनेस होता है, स्पेशली साड़ियाँ ही बनती हैं, ठीक है, तो वहाँ से अलग अलग हमारी डोमेस्टिक कंट्री के स्टेट्स में भी सप्लाई होती है और आउट ऑफ द कंट्री में सप्लाई होती है, नहीं एब्रॉड में सप्लाई होती है। तो लेकिन जितनी डिमांड हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है उतनी ही डिमांड अदर कंट्रीज में भी हमारे उस प्रोडक्ट की है, तो ये रिलेटिविटी हो गई। तो यहाँ पर ये 7 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस की हैं, जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से या फीचर के नाम से या एक नाम हो जाता हूँ आपको, वो है नेचर के नाम से बिजनेस एनवायरनमेंट में आप पढ़ सकते हैं बुक के अंदर।